किशोर की माँ के आज बच्चा होने को था। किशोर का शराबी बाप सुरेश नशे में धुत होकर घर के आंगन में पड़ा था और उसकी बीवी कमला यानी किशोर की माँ कमरे के भीतर दर्द से चीख रही थी। तभी घर में कुछ और औरतें भी आती हैं, जो बेवड़े सुरेश को देखकर मुंह बनाती हैं। बेवड़ा कहीं का, हमेशा नशे में ही धुत रहता है। चल अंदर चल, कमला बेचारी दर्द में तड़प रही है। हाँ चल, इस बेवड़े के भी क्या मुंह लगना, दारू के चक्कर में पूरा घर ही निगल चुका है ये तो। पता नहीं अब जब मरेगा तो अपनी औलादों के लिए भी कुछ छोड़ेगा भी या नहीं। क्यों रे, अपनी औलादों की चिंता नहीं होती क्या तुझे? अरे इसे किस बात की चिंता, कमाता धमाता तो है नहीं और जो था उसकी भी दारू पी गया। एक दिन ऐसा आएगा जब ये औलादों को भी बेच खाएगा, बेचारी कमला। ए, बेवड़ा किसको बोली तू? ये हवेली देख रही है, ये मेरे बाप ने मेरे नाम की थी और अब मैं मेरे बच्चों के नाम कर दूंगा। बहुत बड़ी हवेली है ये, सब ऐश से रहेंगे। पीता हूँ अपने पैसे की पीता हूँ, तेरे बाप से दहेज लेकर नहीं पीता। बढ़िया है, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। और तभी उस औरत में और किशोर के बाप में हाथापाई शुरू हो जाती है। दूसरी औरत आकर सुरेश को धक्का मारती है और दोनों चिढ़कर कमला के पास चली जाती हैं। किशोर ने अपने दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा हुआ था और बस वो पत्थर सा होकर सब देख रहा था। हवेली वाकई में बहुत बड़ी थी, मगर वो तो बस ईंट गारे के ढांचे का बना केवल मकान ही था, जिसमें रखे सब सामान को तो सुरेश पहले ही बेचकर उसकी दारू पी चुका था। वहां खड़ी औरतों के द्वारा बाप को जलील होता देख किशोर शर्मिंदा हो रहा था। तभी उसका छोटा भाई मोहन बड़ी ही मासूमियत से पूछता है, भैया माँ को क्या हुआ है, वो इतनी चीख क्यों रही है और हम बाहर क्यों खड़े हैं? हाँ सही बोला, तो हम बाहर क्यों खड़े हैं, हमें तो अंदर जाना चाहिए ना। तभी सुरेश उठता है और कमला के कमरे की ओर जाने लगता है, मगर वो तो इतने नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मोहन, बाबा की थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए वो ऐसे कर रहे हैं, और माँ अंदर आराम कर रही है, बहुत जल्द बाहर आ जाएगी वो। और ये सुनकर मोहन दौड़कर बाबा के पास जाता है और उसके कंधे पर सवार हो जाता है। बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? मगर अपने बच्चे को लाड़ करने की बजाय सुरेश मोहन को दूर हटाता है। अरे हट जा लड़के, तंग मत कर, मुझे फिर से जरूरी काम से पीने जाना है। तभी सुरेश उल्टियां करना शुरू कर देता है। किशोर का छोटा भाई गिरीश उसका हाथ पकड़ता है। भैया आज के हमारा एक और भाई आने वाला है, पता नहीं गिरीश भाई आएगा या क्या होगा, बस अब मुझसे इस घर की ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक औरत बाहर आती है। किशोर तुम्हारी माँ ने तुम्हें अंदर बुलाया है। तभी सुरेश भी लड़खड़ाता सा उठकर आता है तो वो औरत उसे रोक देती है। कमला ने बस अपने बड़े बेटे को बुलाया है, तुम्हें नहीं। और किशोर कमला के कमरे में जाता है, वो सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी जो बहुत कमजोर नजर आ रही थी। किशोर कमला की हालत नाजुक है, वो तुमसे कोई बात करना चाहती है, जाओ अपनी माँ से बात करो। कमला किशोर की आंसू भरी निगाहों की तरफ हाथ बढ़ा रही थी कि तभी किशोर जाकर अपनी माँ का हाथ कसकर थामता है और बैठ जाता है। माँ क्या हुआ तुझे, तू ठीक हो जाएगी माँ, तुझे तो बुखार भी है, मैं दवाई लेकर आता हूँ, तू ठीक हो जाएगी माँ। तभी पास वाली औरत किशोर के हाथ में एक नन्ही बच्ची रख देती है, जिसकी ओर देखकर कमला मुस्कुराती है। किशोर देख तो, आखिर इस बार तेरी बहन हुई है। किशोर ये सुनकर बहुत खुश होता है। तभी कमला किशोर को पास बुलाकर उसका सिर चूमती है और अपनी बच्ची का सिर सहलाती है। ले, तुझे बहन चाहिए थी ना, आज तुझे बहन मिल गई और मैं जा रही हूँ किशोर। अब कहाँ जा रही हो माँ, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? और ऐसी हालत में आप कहीं भी नहीं जाओगी, आपको तो बहुत तेज बुखार भी है, आप बस यही आराम करो या मुझे भी साथ ले चलो। नहीं मेरे बच्चे, अब इस घर का तू ही तो रखवाला है और तू ही इस घर की नींव बचाए रखेगा, तुझे ही अब इसे संभालना है, तू मेरे साथ नहीं आएगा, यही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। और कमला धीरे धीरे किशोर का हाथ छोड़ने लगती है, मगर किशोर कमला का हाथ कस कर पकड़ लेता है। माँ देख तो, छोटी कितना सुंदर हंस रही है मुझे देखकर, देख माँ। कमला की आंखें अब बुझने लगी थी
किशोर, मेरे बच्चे, इतनी कम उम्र में मैं तुझ पर सारी मुसीबत छोड़कर जा रही हूँ। जाना तो नहीं चाहती थी, मगर अब ये शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। कमला के शरीर में इन्फेक्शन बहुत फैल गया था, इसलिए अब उसके पास समय बहुत कम बचा है। तभी वो बच्ची का चेहरा सहलाती है। मेरी पंखुड़ी किशोर, मेरे जाने के बाद इसका नाम कुमुद रखना। माँ, मोहन और ग्रेश भी अभी बहुत छोटे हैं, मैं सबको कैसे संभालूंगा? बाबा भी तो हर वक्त शराब में डूबे रहते हैं। तू ऐसी बातें मत करना माँ, मुझे अब डर लग रहा है। तू कहीं मत जा, मेरे पास ही रह। मैं अभी ग्रेश और मोहन को भी बुलाता हूँ। नहीं किशोर, वो दोनों बहुत छोटे हैं, उन्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। और अगर वो पूछे तो कह देना कि माँ एक गहरी नींद ले रही है और अब पता नहीं कब उठेंगी। तेरी बात तो सब मानेंगे। और बोलते बोलते कमला की सांस भी छूटने लगी थी। और याद रखना किशोर, मेरे बच्चे, तुम सब एक परिवार हो। उंगलियां आपस में जुड़कर बनी मुट्ठी बनती है। आज से तुम वही मुट्ठी बनना, कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता, ना ही इस घर की नींव को कोई हिला सकता है। वादा कर मुझसे, तू हमेशा इस परिवार की रीढ़ की हड्डी बनकर रहेगा। वादा कर किशोर। और किशोर अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखकर उससे वादा करता है। माँ, इस परिवार को परिवार बनाए रखने का मैं वादा करता हूँ। कुमुदास से मेरी जान है, इस परिवार पर आने वाले हर समस्या को पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। तू सो जा माँ, फिक्र मत कर, गहरी नींद में सो जा, सो जा माँ, सो जा। और किशोर कमला का सिर सहलाते हुए उसके माथे पर प्यारी सी पुच्ची देकर उसे गहरी नींद में सुला देता है। कमला ने अब दम तोड़ दिया था, उसकी आँख का आखिरी आंसू भी किशोर की हथेली पर ही जा गिरा था। पर किशोर अभी भी कमला के पेट से चिपक कर उसकी गोद में रो रहा था। वो जान चुका था कि अब वो एक बिन माँ का बेटा बन चुका था, एक ऐसा बेटा जिसे अब अपने तीन छोटे भाई बहन का माँ और भाई दोनों बनना था। वो कुमुद को गोद में उठाता है और उसे थाम कर दरवाजा खोल बाहर आता है। तभी बेवड़ा सुरेश अंदर की ओर झांकता है और देखता है कि कमला के शरीर को सफेद चादर से ढक रखा था। और कमरे में से औरतें मुंह बनाते हुए सुरेश को देखती हैं और सब बच्चों को सहलाते हुए वहां से चली जाती हैं। एक चीज देखी आपने, जहां बेचारे कमजोर बच्चों को सहारे की जरूरत थी, वहां तो सभी औरतें बस दिखावटी उनका सिर सहलाकर लौट रही थी। और जहां तमाशा करने वाली जगह थी, उनके शराबी बाप को गालियां देनी थी, तब इन्हीं औरतों का बिना मांगे जमघट लग जाता था। यही है समाज का काला घिनौना सच। भैया क्या हुआ, माँ कहाँ है? किशोर की दुनिया हिल चुकी थी, मगर जैसा वो महसूस कर रहा था वैसा उसके भाई बहन भी महसूस करे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसीलिए उसने नाटक करना जारी रखा। माँ तो कमरे में ही है। मोहन गिरीश, ये देखो ना, हमारी बहन आई है और आज से इसका नाम कुमुद है। क्या, बहन आई है? भैया लाओ, मुझे दो ना भैया, ये कितनी प्यारी है, मैं तो इसके साथ अब रोज खेलूंगा। हेलो कुमुद, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, पर वैसे छोटा हूँ। यार क्या बोलते हैं, कैसे पहचानेगी ये मुझे? अरे मैं तो घबरा रहा हूँ भाई, कितनी नाजुक है ये, जैसे हाथ लगाऊंगा तो अभी डर से रो पड़ेगी। अरे चुटकी देखो तो, मैं तुम्हारा मतलब बड़ा छोटा भाई गिरीश। मैं भी तुम्हारा सबसे छोटा भाई हूँ, तुम बस हमेशा ऐसे ही रहना मेरी गोद में, है ना चुटकी? और किशोर अपने आंसुओं को हंसी तले दबाए हुए था। बच्चे के सिर से माँ का साया उठ जाने से बड़ा कोई दर्द नहीं है इस जहान में। और ऐसे में जब कोई कहता है फिक्र मत करो सब ठीक होगा, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। बिना माँ के इस दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं होता है। मैं माँ से मिलकर आता हूँ, माँ ने हमें बहन दी, मैं जाकर थैंक यू बोलता हूँ। चलो गिरीश भैया, माँ के पास चलते हैं। और गिरीश का हाथ खींचकर मोहन उसे कमला वाले कमरे में लेकर जाता है। मोहन, गिरीश नहीं, माँ सो रही है बाबू, मत जाओ उधर। मगर भोले बच्चे अपनी माँ के पास जाकर खड़े होते हैं। माँ थैंक यू, हमें आपने बहन दी। पर कमला तो जा चुकी थी, ना उसके पास अब थैंक यू पहुँच सकता था और ना ही इन बच्चों के आंसुओं की पुकार। सुरेश भी दरवाजे से झांक कर सब देख रहा था, और वो भी बिना कुछ बोले बिना ही अपनी शराब की बोतल उठाता है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लेता है। भैया माँ हिल क्यों नहीं रही? किशोर दोनों को वहाँ से दूर करने की कोशिश कर रहा था, मगर चंचल मन के बच्चे तो अपनी माँ के पास रहना चाहते थे।
उनके लिए माँ तो माँ ही थी, चाहे सामने जिंदा कमला हो या उसकी लाश। भैया मैं जानता हूँ माँ को कैसे उठाना है, माँ के जब गुदगुदी होती है ना तो माँ उछलकर दौड़ने लग पड़ती है। अब देखना कैसे उछलेगी माँ, चीखते हुए बोलेगी मोहन के बच्चे तू रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। और मोहन और गिरीश अपनी माँ के पाँव में गुदगुदी करते हैं। अब देखना माँ लात मारेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कमरे में घोर सन्नाटा था। उसी सन्नाटे को तोड़ते हुए कुमुद रो पड़ती है। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। भैया माँ क्यों नहीं उठ रही। और वो जैसे ही उसके चेहरे से चादर हटाने लगता है, किशोर तुरंत मोहन और गिरीश को कमला से दूर कर देता है। माँ ने कहा था वो गहरी नींद में सोने जा रही है और जब तक नहीं उठेगी तब तक हम चारों भाई बहनों को एक दूसरे का ध्यान रखना है। अब चलो बाहर, शायद छुटकी को भूख लगी है। और मोहन गिरीश कुमुद को लेकर कमरे से बाहर जाते हैं। तभी किशोर माँ के चेहरे से चादर हटाकर आखिरी बार उसका माथा चूमता है और उसे सहलाते हुए आखिरी अलविदा कह देता है। सो जा माँ, अब तू आराम कर, मैं सब कर लूंगा, तेरा किशोर सब कर लेगा। किशोर अपने आप को संभालता हुआ जैसे ही बाहर आता है तभी उसके भाई की चीख सुनाई देती है। भैया जल्दी आओ। और उस चीख के बाद से किशोर की दुनिया एकदम बदल चुकी थी। वो एकदम सुन्न खड़ा था। वहाँ खड़े लोग किशोर को पुकार रहे थे। किशोर किशोर किशोर, सुन रहे हो तुम किशोर। कमरे में कुर्सी पर झूलते आदमी के कंधे पर एक हाथ आता है जो कि साधना का था। किशोर किशोर किशोर, सुन रहे हैं ना आप, कहाँ खो गए। साधना किशोर की पत्नी थी। किशोर साधना की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपनी नम आंखों को पोंछता हुआ हाथ में पकड़ी तस्वीरों को देखता है। आज फिर से पुराने वक्त के ख्यालों में चले गए आप। हाँ साधना, वो वक्त मैंने इन्हीं हाथों से बनाया था और आज देखो। वो सब छोड़िए अब आप, देखो वो आ गए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं उनसे नहीं मिलना चाहता, कह दो उन्हें कि किशोर को उनसे कोई बात नहीं करनी। चलिए ना, यूँ बच्चों की तरह जिद नहीं करते हैं। पर किशोर कमरे से बाहर आने से मना कर देता है। बेचारी साधना भी थक हार कर बाहर आकर नीचे हॉल में देखकर ना का इशारा करती है। आप रुकिए, मैं जानती हूँ क्या करना चाहिए, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। लड़की के कदम किशोर के कमरे तक बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा देखकर तभी साधना उसे रोककर कुछ बोलना चाहती है। लड़की साधना को बीच में ही रोक देती है। आप दूर रहो, ये मेरा मामला है, मैं जानती हूँ कैसे हैंडल करना है। और लड़की कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठे किशोर के पीछे से जाकर उसे कुर्सी से जैसे ही गुस्से में धकेलने लगती है तभी किशोर पलट कर देखता है और सहम सा जाता है। तुम देखिए हमारी एकदम नई कहानी। किशोर की माँ के आज बच्चा होने को था। किशोर का शराबी बाप सुरेश नशे में धुत होकर घर के आंगन में पड़ा था और उसकी बीवी कमला यानी किशोर की माँ कमरे के भीतर दर्द से चीख रही थी। तभी घर में कुछ और औरतें भी आती हैं, जो बेवड़े सुरेश को देखकर मुंह बनाती हैं। बेवड़ा कहीं का, हमेशा नशे में ही धुत रहता है। चल अंदर चल, कमला बेचारी दर्द में तड़प रही है। हाँ चल, इस बेवड़े के भी क्या मुंह लगना, दारू के चक्कर में पूरा घर ही निगल चुका है ये तो। पता नहीं अब जब मरेगा तो अपनी औलादों के लिए भी कुछ छोड़ेगा भी या नहीं। क्यों रे, अपनी औलादों की चिंता नहीं होती क्या तुझे। अरे इसे किस बात की चिंता, कमाता धमाता तो है नहीं और जो था उसकी भी तार उपी गया। एक दिन ऐसा आएगा जब ये औलादों को भी बेच खाएगा, बेचारी कमला। ए, बेवड़ा किसको बोली तू, ये हवेली देख रही है, ये मेरे बाप ने मेरे नाम की थी और अब मैं मेरे बच्चों के नाम कर दूंगा। बहुत बड़ी हवेली है ये, सब ऐश से रहेंगे। पीता हूँ अपने पैसे की पीता हूँ, तेरे बाप से दहेज लेकर नहीं पीता। बढ़िया है, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। और तभी उस औरत में और किशोर के बाप में हाथापाई शुरू हो जाती है। दूसरी औरत आकर सुरेश को धक्का मारती है और दोनों चिढ़कर कमला के पास चली जाती हैं। किशोर ने अपने दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा हुआ था और बस वो पत्थर सा होकर सब देख रहा था। हवेली वाकई में बहुत बड़ी थी, मगर वो तो बस ईंट गारे के ढांचे का बना केवल मकान ही था, जिसमें रखे सब सामान को तो सुरेश पहले ही बेचकर उसकी दारू पी चुका था। वहाँ खड़ी औरतों के द्वारा बाप को जलील होता देख किशोर शर्मिंदा हो रहा था।
तभी उसका छोटा भाई मोहन बड़ी ही मासूमियत से पूछता है, भैया माँ को क्या हुआ है, वो इतनी चीख क्यों रही है और हम बाहर क्यों खड़े हैं? हाँ सही बोला, तो हम बाहर क्यों खड़े हैं? हमें तो अंदर जाना चाहिए ना। तभी सुरेश उठता है और कमला के कमरे की ओर जाने लगता है, मगर वो तो इतने नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। आ दादा छोड़ दो प्लीज, दर्द हो रहा है। वो भैया ये तो आपको सरप्राइज देने के मूड में थी, हमें भी बताने से मना कर दिया था। वो दादा अनिल है ना, उन्हें किसी जरूरी काम से निकलना पड़ा और मैं उनके साथ ही चली गई थी, तब मुझे लगा कि ओहो बातें ही करते रहोगे या केक भी कट करोगे, आज केक आपकी लाडली बहन ने खुद से बनाया है। तो फिर तो पूरा केक मैं ही खाऊंगा, तुम सब तो बस कागज चाटना। सब हंसते हैं, सब मिलकर केक काटते हैं। उस स्वर्ग से घर में बहुत खुशियों भरा माहौल था। कुमुद किशोर को केक खिलाकर अपने भाई और भाभी के पांव छूती है। दूधो ना हो पूतो फलो। नहीं अभी मेरी बहन की हंसने खेलने की जिंदगी है, ऐसे में बच्चों के बंधन में बंधने वाला आशीर्वाद मत दो मेरी छोटी को। छोटी मैं देता हूँ आशीर्वाद, फॉरेन ट्रिप पर घूमो और रोमांटिक ट्रिप पर जाओ, खूब मजे करो। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। साधना थोड़ा साइड में जाकर अपने परिवार को देखती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। साधना अपनी आंख से काजल निकालती है और घर के मेन दरवाजे पर जाकर वहां लगी नेम प्लेट पर काजल का टीका लगाती है, जिस पर बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा था स्वर्ग सा परिवार। और अंदर खड़े अपने चहकते परिवार को देख साधना की आंखों से आंसू छलक उठते हैं। बस किसी की नजर न लगे हमारे इस परिवार को। साधना पलटकर घर में जाने ही लगती है, तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक आदमी निकलता है। साधना जैसे ही उसे देखती है थोड़ा सहमती है। जमाई जी आप आइए आइए। और कुमुद का पति अनिल अंदर जाता है। कुमुद भी उसे देखकर थोड़ा झिझकती है और तभी अनिल कुमुद को इशारा करता है। मैं नहीं बात कर सकती दादा से, प्लीज तुम यहाँ कोई तमाशा मत करो। अनिल कुमुद की ओर आंखें निकालता है और कुमुद नजरें फेर लेती है। अनिल भी किशोर को केक खिलाता है। भैया आज तो बड़ा ही खुशी का मौका है। अच्छा कुमुद तुम्हें याद है जब मेरी बहन के ससुराल में ऐसा ही खुशी का समय था, तो उन्होंने जमाई भाई को सोने की चैन दी थी। अब बताओ भला इतने छोटे से खुशी के मौके पर सोने की चैन दे दी, मैं तो सोचने लगा बड़ा फंक्शन होता तो गाड़ी घोड़े भी दे देते। खैर पागल लोग। किशोर अनिल का इशारा समझ चुका था और वो साधना को इशारा कर अपने कमरे में चला जाता है। ये सब तुम क्यों करते हो अनिल, तुम जानते हो ना भैया के पास ज्यादा कुछ नहीं है। तुम तो घर चलो, वहाँ तुम्हें जवाब देता हूँ मैं। किशोर कमरे की अलमारी से डिब्बी में रखी एक चमकती सोने की चेन निकालकर उसे चूमता है, तभी साधना आकर उसका हाथ पकड़ती है। एजी ये आप क्या कर रहे हो, ये चेन हमने स्वाति की शादी के लिए बचा रखी है ना, कैसे कैसे एक एक पाई जोड़कर इस चेन को हमने मिलकर बनवाया था, भूल गए आप? मगर साधना स्वाति की शादी में समय है अभी, और अगर जमाई जी को खुश नहीं रखा तो मेरी बहन कैसे खुश रहेगी, और मेरे लिए पहले मेरी बहन की खुशी है बाद में स्वाति की। जाओ ये चैन अनिल जी को दे आप। और आप नहीं आएंगे क्या? मैं आता हूँ थोड़ा रुक कर। और साधना जाकर अनिल को चेन देती है। अरे भाभी इसकी क्या ही जरूरत थी, आप भी ना अपने लोगों को तोहफा थोड़ी देते हैं। ये कलयुग है अनिल जी, यहाँ अपनों को खुश रखने के लिए तोहफा देना ही होता है, खैर बस अपने खुश रहें। अनिल ये सुनकर चिढ़ जाता है और चेन निकाल कर तुरंत पहनता है। तभी घर में थोड़ी चहल पहल और बढ़ती है। चौखट से दो और औरतें अंदर आती हैं, जो गिरीश और मोहन की पत्नियां थीं, बबीता और संगीता। वो जैसे ही अनिल को चेन पहनते देखती हैं, एक दूसरे की ओर देखकर अजीब इशारे करती हैं। हे, ये देख संगीता, वैसे तो भाई जी कहते हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, और देख तो कैसे इस अनिल को सोने की चेन बांट रहे हैं। आप तो रुको जीजी, मैं आज ही इनसे रात में पूछूंगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। किशोर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ अपने परिवार की तस्वीर सीने से लगाकर झूम रहा था और उसकी आंखों से एक एक कर मोती से आंसू छलक उठे थे। किशोर कमला के शव के पास बैठा विलाप कर रहा था, तभी मोहन की चीख सुनकर वो बाहर आता है और देखता है वहाँ लोगों की ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी। उसे चीर कर किशोर रोते हुए मोहन और गिरीश के पास जाता है। देखो नियति का खेल, एक ही दिन में बेचारे बच्चों के सर से माँ और बाप दोनों का साया ही छिन गया। किशोर ये सुनकर घबरा जाता है। भैया
बाबा चले गए। किशोर के पांव अब कांप उठे थे। वो सबको साइड कर अपने बाबा के कमरे की ओर बढ़ता है और कमरे में जाकर उसके आंसू छलक उठते हैं। तभी वो टेबल पर रखी एक चिट्ठी उठाता है और उसे अपने कपड़े में छिपाकर वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी उसके कानों में कमला की आवाज पड़ती है, किशोर इस परिवार की नींव तू ही बनेगा, बस इस घर को कभी हिलने मत देना। किशोर अपने आंसू पोंछता है और खड़ा होकर उस दरवाजे को ताला लगाता है। आज के बाद बाबा के इस कमरे में कोई नहीं जाएगा। वो अपने भाइयों के पास आता है, कुमुद को गोद में उठाता है और सब लोगों के आगे हाथ जोड़ता है। तमाशा खत्म हुआ, अब आप सब लोग घर जा सकते हैं। कितना बदतमीज लड़का है, हम तो यहाँ इसकी हिम्मत बढ़ाने आए हैं और ये है कि एकदम अपने बाप पर गया है। चलो सब यहाँ से, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक ही दिन में किशोर जीवन का ये सच तो समझ गया था कि रूखी सूखी हिम्मत बढ़ाने से जीवन नहीं कटता है, कोरे दिखावे से पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए होती है। भैया माँ उठ गई क्या? गिरीश रोता हुआ कुमुद और मोहन को लेकर दूसरे कमरे में जाता है और किशोर अपनी माँ के शव के पास जाकर उसके माथे पर प्यार से एक आखिरी पुच्ची देकर बिलखता हुआ कहता है, सो जा माँ और अब कोई दुख दर्द तुझे तंग नहीं करेगा, मैं सब संभालूंगा। आज से घर ये परिवार मेरी ताकत है और यही मेरी कमजोरी। किशोर अपनी माँ से लिपटता हुआ अकेले ही उसके शव का दाह संस्कार कराता है। एक कच्ची उम्र के लड़के की आंखों के सामने उसकी माँ का शव आग में जल रहा था और वहाँ वो अकेला ही खड़ा था, आसपास कोई भी नहीं था। किशोर समझ जाता है कि ये अकेलापन ही है हमारे समाज का जहर। और किशोर शमशान घाट से जब लौटकर अपने घर में आता है तो वो एक बेचारा लाचार किशोर नहीं बल्कि एक माँ बाप और तीनों का एक बड़ा भाई होता है। वो अंदर रसोई में जाकर कुछ पकाता है और अपने भाइयों को खिलाता है। कुमुद को भी दूध पिलाने की कोशिश करता है मगर एक बिन माँ की बेटी बस चीख चीख कर रो ही जा रही थी। तभी किशोर उसे सीने से लगाता है और उसे लोरी सुनाने लगता है। सो जा सो जा, चुप हो जा, रो रो के मेरी गुड़िया, तू किसको पुकारे, दुनिया के लोग तुझे भूल गए हैं सारे। सो जा सो जा, चुप हो जा सो जा। और कुमुद अपने भाई के सीने से लगकर सो जाती है। वक्त बीतता गया। किशोर अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात एक कर रहा था। कभी वो फैक्ट्री में मजदूरी करता था तो कभी रिक्शा खींचता, कभी पीठ पर वजन लादता और कभी कभी जब पूरे दिन भी कोशिश करने पर कुछ ना मिलता तो लोगों से मांग कर अपने भाई बहनों के लिए खाना लेकर आता। किशोर जब घर लौटता था तो उसके पाँव में खून के छाले होते थे मगर जब भी उसके भाई बहन किशोर के हाथ में खाना या कोई चीज देखकर खुश होते तो किशोर की सारी थकान दूर हो जाती थी। एक रोज ना ही घर में पैसे थे और ना ही रसोई में अन्न का दाना। ऐसे में कुमुद को भयंकर भूख लगने से वो रोने लगी थी। भैया चुटकी को बहुत तेज भूख लगी है और मुझे भी। किशोर को जब कुछ नहीं सूझता तो वो मंदिर से प्रसाद चुरा कर अपने भाई बहन के लिए लेकर आता है। भैया आप भी खाओ ना। नहीं मुझे भूख नहीं है। अपने भाई बहनों को खाता देख किशोर खुश होता है। भैया क्या मैं भी कोई काम करना शुरू कर दूं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम तीनों की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। कल से मैं दुगनी मेहनत करूंगा, तुम्हारी किताबें, स्कूल की फीस, कपड़े सब लेकर आऊंगा, लेकिन तुम तीनों का भविष्य कभी अंधेरे में नहीं आने दूंगा। और किशोर दिन रात एक कर अपने भाइयों के लिए पाई पाई जमा कर जोड़ने लगा। दो जोड़ी कपड़ों में उसने अपना जीवन काटना सीख लिया था। घर में नए कपड़े आते तो कुमुद के आते। देखते देखते चारों भाई बहन जीवन के संघर्ष से जीतते हुए बड़े होने लगे। एक रोज तीनों भाई बाजार गए हुए थे तभी किशोर को एक सूट नजर आता है और वो उसे कुमुद के लिए लेने की इच्छा जताता है। पर भैया उसके पास पहले से ही दो सूट हैं, मेरे कपड़े पुराने हो गए। भैया मोहन गिरीश, हम लोग भले ही पुराने या फटे कपड़े पहनने चलेगा मगर हमारी बहन का शरीर हमेशा अच्छे कपड़ों से ढकेगा
और इसके लिए मैं अपनी जरूरतें भी त्याग दूंगा। हाँ भैया मैं भी। हाँ भैया, एक स्त्री का मान और अपनी बहन की आबरू दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से है, समझे? जब किशोर इतनी प्यारी बात कर रहा था तो दुकान के बगल में खड़ी एक लड़की किशोर की ओर मुड़कर आश्चर्य से उसका चेहरा देखती है। इतनी सुंदर बातें और वो भी इतनी सी उम्र में। चेहरा देखकर तो लग रहा है जैसे इस लड़के ने कितना कुछ सहा है। चेहरे पर इतना शांत भाव। आखिर तुम हो कौन लड़के जो मेरा पूरा ध्यान खींच चुके हो? वो लड़की किशोर के पास जाने ही वाली थी कि तभी किशोर को कुमुद आवाज लगाती है। भैया भैया, ओहो दादा सुनो भी, भैया भैया दादा। कमरे में ख्यालों में डूबे किशोर को कुमुद पुकार रही थी। तभी किशोर ख्यालों से बाहर आता है और देखता है कि कुमुद किशोर के कदमों में बैठकर अपना सिर उसकी गोद में रखे हुए है। अरे पगली, ऐसी क्यों बैठी है? नहीं दादा, ऐसे ही रहने दो ना, आपको क्या जरूरत थी वो चेन अनिल को देने की? कोई बात नहीं छोटी, आखिर जो मेरा है वो तेरा भी तो है, ये सब मत सोच। पर भैया, आपने पहले एक एक पैसा जोड़कर मुझे पाला पोसा बड़ा किया और विदा किया, वो क्या कम है? बस बहुत हुआ, अब आप स्वाति के लिए बचा कर रखिए। अच्छा, अब चुटकी बड़ी बन रही है क्या? दादा आप भी ना मेरी हर बात मजाक में डालते हैं। वैसे आपकी छुटकी तो आ गई, पर मेरी छुटकी स्वाति आखिर है कहाँ? भगवान जाने, अपने बाप के जन्मदिन पर भी गायब है पगली, पता नहीं कहाँ है। छोड़ो साहिल, अब जाने दो घर पर, अब तक तो सब आ ही गए होंगे, आज बाबा का बर्थडे भी है। एक पप्पी दिए बिना तो नहीं जाने दूंगा, इतनी बड़ी हो गई हो मगर आज भी वो बचपन वाली राजधानी एक्सप्रेस ही हो, जब देखो भागती ही रहती हो। अच्छा बाबा, आँख बंद करो। हाँ हाँ ओके। और साहिल स्वाति को कमर से खींच के एकदम करीब कर लेता है और स्वाति साहिल के गालों को चूमती है। हमारी नई कहानी बहुत सुंदर और हार्ट टचिंग है, तो दोस्तों नई कहानी परिवार को प्यार देना ना भूलें। स्वाति साहिल के एकदम करीब खड़ी थी कि तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। अच्छा बाबा, मुझे जाने दो, अब अगर किसी ने हम दोनों को ऐसे देख लिया तो आफत हो जाएगी। इतना डर लगता है तो शादी कैसे करोगी मुझसे? डर? और मुझे? हाँ, डरे मेरा नाखून और डरो तुम। जब पापा से मेरा रिश्ता मांगना होगा ना, तब पता चलेगा। ये सुनते ही साहिल थोड़ा घबरा जाता है। डरो मत, अभी उसमें समय है। अब चलो जल्दी से मुझे घर छोड़ आओ, पता नहीं वहाँ क्या तमाशा चल रहा होगा। कुमुद बुआ आई भी होंगी या नहीं, उनके बिना तो पापा केक भी कट नहीं करेंगे। और तुम्हारे बिना? हाँ मेरे बिना कर लेंगे, आखिर कुमुद बुआ जितनी वैल्यू थोड़ी ही है मेरी घर में। पागल लड़की, मगर इस घर में होगी जब मैं तुम्हें यहाँ बहू बना कर ले आऊंगा। और दोनों बात करते हुए दरवाजे से निकलते हैं कि तभी साहिल की माँ दोनों को कमरे से यूं निकलता हुआ घूरती है। ये सब क्या है? वो माँ, वहाँ किशोर भाई साहब स्वाति का इंतजार कर रहे होंगे और तुम दोनों यहाँ गुटरगू कर रहे हो, चल जल्दी जाकर बिटिया को घर छोड़ के आ। और साहिल हड़बड़ी में स्वाति को बाइक पर बिठाकर उसके घर को निकल जाता है। देखा काकी के पूछने पर कैसे मुंह बन गया था तुम्हारा। साहिल की माँ, ये स्वाति और साहिल कुछ ज्यादा ही एक दूसरे में घुस घुस के बात नहीं करते। आप भी ना, अब बचपन से साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे के भाई बहन जैसे हैं, तो बातें तो करेंगे ही ना। इतना डरोगे ना तो देखना, तुम्हारे माँ बाबा और मेरे बाबा मिलकर एक ना एक दिन पक्का मुझसे तुम्हें राखी बंधवा ही देंगे। साहिल ये सुनकर फिर घबरा जाता है। साहिल और स्वाति का परिवार एक दूसरे के खास दोस्त थे, इसीलिए साहिल और स्वाति बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। देखा आपने भाभी जी, हम दोनों की तरह हमारे बच्चों ने भी रिश्ता जोड़ ही लिया। सही बोली आप भाभी जी, मेरा साहिल एक बड़े भाई की तरह हर कदम पर आपकी स्वाति की रक्षा करता रहेगा। मगर साहिल और स्वाति के मन में तो कुछ और ही था। धीरे धीरे वो बड़े होने के साथ एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर साहिल रक्षाबंधन आते ही स्वाति से राखी ना बंधे इसलिए कहीं गायब हो जाता था। बेटा एक राखी साहिल के लिए भी निकाल देना। जी माँ। वक्त बीतने पर स्वाति और साहिल का प्यार तो बढ़ता गया, मगर अपने घर वालों का डर उससे भी ज्यादा। जो घर वाले दोनों को भाई बहन की तरह समझते थे, वो ऐसे में दोनों के इस रिश्ते को कैसे अपनाते? स्वाति और साहिल की ये नजदीकी देखकर बबीता और संगीता एक दूसरे के कानों में फुसफुस करने लगती हैं। संगीता, ये तो घोर मनमानी चल रही है इस घर में, लड़की देख कैसे लड़के के साथ चिपक चिपक कर चल रही है, अभी मैं सबको बुलाती हूँ।
और बबीता और संगीता आवाज लगाकर साधना, किशोर, कुमुद सबको इकट्ठा कर लेती हैं। मोहन, गिरीश भी वहीं थे और सब आकर स्वाति और साहिल को बाइक पर इतना नजदीक देखकर चुप हो जाते हैं। वो दोनों भी अपनी इश्क की गलियों में अभी तक इतने चक्कर लगा रहे थे कि उन्हें ध्यान भी नहीं था कि किशोर का पूरा परिवार उन्हें घूर रहा है। देखा जी, ये सब चलने लगा है इस घर में। घर की बेटियों की लाज शर्म मर्यादा सब खत्म हो चुकी है। सही कहा तूने, ऐसे में हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, है ना? ओ जी, सही बोल रही हूँ ना? चुप हो जा बबीता, आज भैया के जन्मदिन पर ये सब तमाशा मत कर। हाँ बबीता, साहिल तो स्वाति के भाई जैसा है, बचपन से दोनों ऐसे ही तो घूमते आए हैं। और क्या भाभी, ये तो हमारी गुड़िया के बड़े भाई जैसा है। तभी साहिल और स्वाति का ध्यान सब पर जाता है और वो दोनों हड़बड़ाकर दूर हटते हैं। स्वाति तुरंत अपने कपड़े ठीक करती है और दोनों घर के अंदर जाते हैं। लो, साहिल से खुद ही पूछ लो। साहिल बेटा, बबीता और संगीता को बता दो कि स्वाति तुम्हारी बहन जैसी नहीं बल्कि बहन ही है। मगर साहिल कुछ नहीं बोलता है। ये क्या बोलेगा, पहली चीज तो सांझ होने को है और ऐसे में हमारे घर की बेटी किसी लड़के के साथ यूँ चिपक चिपक कर क्यों घूम रही है? कोई मर्यादा कानून है कि नहीं इस घर का? किशोर बस चुपचाप सबकी सुन रहा था। लड़का कहाँ है बबीता, बोला ना, ये तो स्वाति के भाई जैसा है। और स्वाति, क्या स्वाति भी ऐसा ही सोचती है भाभी? सब स्वाति की ओर घूरने लगते हैं। तभी कुमुद को ये देख क्रोध आ जाता है। बंद करो ये तमाशा आप सब। भाभियों, तुम सब इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि ये फैसला भी खुद ही लो कि कौन किसका भाई बहन है। और कुमुद स्वाति और साहिल को आमने सामने खड़ा करती है। एक दूसरे की आंखों में देखो और सच बोलो, बस सच। ये सुनते ही स्वाति और साहिल की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। नहीं है स्वाति मेरी बहन। हाँ, इस गांव के हर लड़के की बहन जरूर है, मगर मेरी नहीं। मैं प्यार करता हूँ इससे, आज से नहीं बचपन से, हमेशा से। और मैं भी करती हूँ, सुना आप लोगों ने? हाँ बुआ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तो आप सबके दबाव ने आज तक हमें उस नकली रिश्ते में बांधा था, वरना मैं साहिल की कलाई पर राखी नहीं बल्कि अपने गले में साहिल के नाम का मंगलसूत्र डालना चाहती हूँ, हमेशा से ही। ये सुनते ही साधना स्वाति के जोरदार तमाचा मारती है। स्वाति, ये सब क्या बक रही हो? तभी अनिल भी बीच में ही कूद पड़ता है। सही क्या भाभी, इस लड़की के पर कुछ ज्यादा ही निकल रहे हैं, काश आप पहले ही इन्हें कुतर देती। क्यों भाभी, क्यों आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आपने भी तो भैया से प्यार किया था। साधना उस दुकान में पहली बार किशोर को देखती है और उसकी चाह उसे बार बार देखने की होने लगती है। अब रोज किशोर जहाँ जाता, साधना वहाँ बहाने से पहुँच जाती। धीरे धीरे किशोर भी साधना को नोटिस करने लगा था। एक रोज साधना से रहा नहीं गया और वो किशोर के पास सीधे चली गई। ये सादगी, ये संघर्ष, ये जीवन जीने का हुनर, किशोर मैं आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। एक इतनी सुंदर लड़की का सामने से प्यार का इजहार करना किशोर के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आप जो भी हैं, आप मेरे जीवन के संघर्ष को नहीं जानती। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय उस ईंट गारे के बड़े मकान के, जिसमें मेरे तीन छोटे भाई बहन रहते हैं। मैं ही उनका बाप हूँ, मैं ही उनकी माँ। ऐसे में मैं ये नहीं कर सकूंगा। आप अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए। जानती हूँ, सब जानती हूँ। उस ईंट गारे के मकान में मैं आना चाहती हूँ किशोर। उस मकान को अपने हाथों से घर बनाना चाहती हूँ और तुम उन छोटे भाई बहनों के पिता बनो। मैं उनकी भाभी बनकर माँ का फर्ज पूरा करूँगी और फिर बन जाएगा हमारा स्वर्ग सा परिवार। साधना की इतनी गहरी बात सुनकर किशोर उसका दीवाना हो उठा और उसने भी अपना दिल साधना को दे दिया और दोनों ने शादी कर ली। अपनी प्रेम कहानी याद कर साधना और किशोर की आंखें भर आई थी। और अनिल, तुम जो पर कुतरने की बात कर रहे हो, भूलो मत तुमने भी मुझसे प्यार ही किया था। अगर मेरे भाई ने भी मेरे पर कुतरे होते तो आज तुम इस घर के दामाद के रूप में खड़े नहीं होते। और मुझे भी अगर पता होता कि तुम मेरे भाई की कमाई के इतने लालची हो तो मैं खुद ही खुद के उगते पंख काट कर किसी और से ब्याह कर लेती। छी! अनिल ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता है और नजरें झुका लेता है। छाज तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद। ए जी, आप दोनों भाई खड़े खड़े बस देखते ही रहना, इस घर में ये सब क्या गंदगी हो रही है उसके खिलाफ बोलोगे या नहीं? गिरीश और मोहन एक दूसरे की ओर देखकर हिम्मत करते हैं। भैया, हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा है। हमारे इस घर की इज्जत का मजाक बन जाएगा अगर इस लड़के को चुना तो। मैं भी गिरीश भैया की बात से सहमत हूँ। सब लोग जब किशोर पर बातों के तीर चलाने लगे तो किशोर झुंझला कर चिल्ला बैठा।
बस चुप करो सब, एकदम चुप। ये मेरा परिवार है और इसके फैसले मैं लूंगा। मुझे स्वाति बिटिया और साहिल के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। ये सुनते ही स्वाति और साहिल रोते हुए किशोर से लिपट गए। साधना और कुमुद भी उनसे लिपट गए। तभी साहिल के माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं और सारा मामला जानकर उनको भी सदमा लगता है। हे राम, सत्यानाश हो गया ये तो साहिल के बाबा। तभी किशोर कुमुद को इशारा करता है, छुटकी चल यहाँ पर भी डाल दे तेरा वही लेक्चर। ओके दादा। और कुमुद वही सब बातें उन्हें भी कहती हैं, जिन्हें समझकर साहिल का परिवार भी स्वाति को अपना लेता है। इससे सुंदर तोहफा मेरे जन्मदिन का कुछ भी नहीं हो सकता। आज मुझे मेरे बेटे साहिल के साथ साथ दामाद भी मिल गया और हमें बहू के साथ साथ स्वाति जैसी बिटिया। जहाँ कहानी की हैप्पी एंडिंग होने वाली थी, वहीं एक ट्रेजेडी का होना अभी भी बाकी था। किशोर ने मोहन, गिरीश, संगीता, बबीता की बात काट कर ये फैसला लिया और ये उन चारों से बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है भैया, पर ये घर हमारा भी है, इसमें हमारे भी फैसले होंगे। अगर हमारे फैसलों की कोई कीमत नहीं है तो आप बंटवारा कर दो। हाँ हाँ, इस घर को बांटकर हमें हमारा हिस्सा दे दो भैया। शाबाश शेरों, हाय आज बोली ना एकदम सही बात, बंटवारा चाहिए हमें। आज से पहले इस घर में बंटवारे जैसे शब्द का इस्तेमाल तक नहीं हुआ था, जिसे सुनते ही किशोर हिल जाता है और अपनी छाती पकड़कर वहीं बैठ जाता है। जिस घर की दीवारों को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी घर का बंटवारा मांगा जा रहा था। पर वो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप तमाशा बनता चला जाता है। बबीता और संगीता को अपने पतियों से हरी झंडी मिलते ही दोनों मुंह से जहर उगलने लगती हैं। तभी किशोर साधना का हाथ थामकर उठता है और कमरे में जाकर कुछ सामान लेता है और हाथ में यादों से भरी तस्वीरों का एल्बम। दोनों नीचे आंगन में आते हैं और कुछ तस्वीरें मोहन और गिरीश को थमाते हुए कहते हैं, मेरे बच्चों तुम दोनों ही नन्हे नन्हे से थे जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया था। अपना निवाला छोड़कर पहले तुम्हारी भूख मिटाई थी। मैं इस घर में आई थी एक परिवार बनाने, आज जब वो बिखर जाएगा तो मैं और किशोर कैसे इसमें रह लेंगे, नहीं रह सकेंगे। मेरे जीते जी तो ये बंटवारा नहीं होगा, तुम दोनों को घर चाहिए तो ये घर ले लो। मैं और मेरी साधना यहाँ से जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे कीमती है बस ये परिवार और ये यादें। कुछ तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ और कुछ साथ लेकर जा रहा हूँ। साधना और किशोर की आंखों से सपनों के टूटने का खून आंसू बनकर बह रहा था। सामान उठाते हुए जैसे ही दोनों चौखट लांघते हैं, वो सामान घर के बाहर फैल जाता है और दोनों पलटकर अपने स्वर्ग से घर और बिखरे परिवार को नम आंखों से अलविदा कहने लगते हैं। क्या कर दिया आप लोगों ने ये? अरे वो मंदिर ही किस काम का जहाँ भगवान निवास ना करें। दादा हमारे भगवान ही है भैया, जन्म माँ ने दिया था मगर हमें बनाया बस इन्होंने। रोक लो इन्हें, मत जाने दो कहीं। तभी गिरीश और मोहन की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों दौड़कर उनके पास जाते हैं। भैया रुक जाओ, भाभी मत जाओ। और वो दोनों साधना और किशोर को थामकर अंदर लाते हैं और उनके पाँव में गिरकर माफी मांगते हैं। ए जी आप इतने इमोशनल होकर बहको मत, यही तो मौका है, पूछो इनसे कि आखिर कब तक इस घर में इनकी मनमानी चलती रहेगी। तभी गिरीश अपनी पत्नी को चुप कराता है मगर बबीता तो फायर हुए जा रही थी। नहीं मैं क्यों चुप हूँ, संगीता जब हम पैसे मांगे तब तो घर में पैसे नहीं थे और हर महीने जो जेठ जी मुट्ठी भर भर के किसी और को पैसे भेजते रहते हैं उसका क्या। ये सुनते ही सब किशोर की ओर देखते हैं। किशोर नजरें झुका लेता है। हाँ भाभी सही बोली हो आप, साधना भाभी पूछो तो अपने पति से कहीं और माशूका बना रखी है क्या इन्होंने, जो उसका परिवार भी पालने की जिम्मेदारी इन्होंने ही ले रखी है। ये सुनते ही साधना संगीता के जोरदार तमाचा लगा देती है। खबरदार, जो मेरे पति के खिलाफ एक शब्द और बोला तो, जानना चाहती हो ना कि वो पैसे किशोर किसको भेजते हैं? लो आज ही जान लो। साधना नहीं। नहीं किशोर आज आप नहीं रोकेंगे, जब परिवार में इतना जहर फैल ही रहा है तो थोड़ा और सही। और थोड़ी देर में साधना वहाँ किसी बूढ़े आदमी को लेकर आती है, जिसे देखते ही किरीश और मोहन पहचान जाते हैं और दौड़कर उनके सीने से लगते हैं। बाबा आप जिंदा हैं बाबा। सुरेश बिना कुछ बोले बस हाथ जोड़कर रोता है। जिंदा है नहीं, जिंदा रखा है तुम्हारे भाई ने। मोहन उस दिन जब बाबा गायब हुए थे तो उस खत में कुछ कहकर गए थे। किशोर मैं अगर यहाँ रहा तो तुझ पर एक बहन दो भाई के साथ साथ एक शराबी बाप का बोझ भी आ जाएगा,
ये बोझ मैं तुझे नहीं दे सकता मेरे बच्चे। मैं तेरे लिए कभी कुछ नहीं कर सका, मगर यहाँ से जा रहा हूँ, यही तेरे लिए कुछ करना होगा। तेरा नालायक बाप सुरेश। और बहुत ढूंढने पर बाबा मुझे मिले, मगर इन्होंने वापस आने से मना कर दिया। तुम सबका भी आगे परिवार बढ़ना था, ऐसे में शायद तुम लोगों को आपत्ति होती, तो मैंने इन्हें दूर रखकर देखभाल शुरू कर दी। इसीलिए बबीता और संगीता ये जानकर शर्मिंदा होकर सबसे माफी मांगती हैं। गिरीश और मोहन अपने बाबा से मिलकर खुश होते हैं। भैया, आज के बाद इस घर में फिर कभी बंटवारे का नाम भी नहीं लिया जाएगा। हमें और हमारी बेवकूफ पत्नियों को माफ कर दो भैया। और हमेशा की तरह बड़े दिल वाला किशोर सबको माफ कर देता है। तभी अनिल भी कुमुद के पास आता है। हाँ, थोड़ा लालची जरूर था मैं, मगर तुम्हारे भाई की कमाई के लिए नहीं, बस तुम्हारे लिए। मुझे बस तुम चाहिए हो और कुछ नहीं कुमुद। और अनिल अपनी सोने की चेन निकालकर साहिल के गले में पहनाता है। साहिल और स्वाति भी एक दूसरे से हक से गले मिलते हैं। साधना किशोर अपना परिवार देखकर खुश होते हैं। थैंक यू साधना, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू कुमुद, मेरे रीढ़ की हड्डी बनने के लिए। तभी सब एक साथ बोलते हैं, थैंक यू दादा, हम बिखरे लोगों को एक परिवार बनाने के लिए। हैप्पी बर्थडे। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए जुड़े रहिए आपके पसंदीदा चैनल एनिम स्टोरीज और बाकी अन्य चैनलों से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।